हेलो दोस्तों, आप लोग का ESG टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग क्लास टेंथ में आ चुके हो, मैं पहले चैप्टर का आप लोग एक्सप्लेन भी किया था, प्लस उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके साथ दिया था। बट मैं ये यहाँ पर क्लास टेंथ का साइंस वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए मैं अभी से सब कुछ बता रहा हूँ। आप लोग को अगर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर किए 100% मैं बोलता हूँ कि आप लोग का ये जो यूनिट टेस्ट होगा सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सब जगह इसमें से क्वेश्चन जो बताऊँगा वो क्वेश्चन आने वाले। तो इसको टिक मार करके अच्छी तरीके से कर लेना। साइंस वन का है, सबसे पहले इसमें से सबसे पहले आप लोग को क्या याद करना रहेगा, यहाँ पे डोब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया, इनको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना। किस तरीके से याद करना, सबसे पहले इनका क्या करना है शॉर्ट नोट, और इसमें से एक लाइन आप लोग को कोई भी याद करना है, तीनों में से कोई भी एक लाइन आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। ये चीज़ हो गया डोब्राइनर ट्राइड्स करके दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग को ये नहीं कुछ याद करना। उसके बाद यहाँ पर मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ टेबल, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के रख लेना, इसको समझ गए। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखो ए वाला लाइन जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो द वर्टिकल कॉलम इज द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग यहाँ पर रो को बोलते हैं पीरियड। याद रखना है ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या याद करना है, यहाँ पर देखो मैरिट और डीमेरिट, ध्यान से सुनना, मेंडेलीव का मैरिट और डीमेरिट आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना है, कितना पॉइंट, 4 पॉइंट। याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ ऐसा पूरा मत याद करने बैठ जाना, सिर्फ 4 पॉइंट मैरिट का, 4 पॉइंट आप लोग को यहाँ डीमेरिट का याद करके रख लेना, बस आप लोग का ये भी हो जाएगा एक पॉइंट क्लियर। डीमेरिट का भी 4 पॉइंट वही चीज़। अब यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप लोग अच्छी तरीके से याद करना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद रखना, इसको अच्छी तरीके से याद करना। और यहाँ पर एक लाइन दिया फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इस तरीके से दिया गया, इसको अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है उसको ध्यान से देखना। देखो वेरी वेरी IMP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप लोग कमेंट करोगे सर इसको एक्सप्लेन कर दो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला याद रखना जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ याद रखना, और इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग और आगे आ जाओ तो यहाँ पर दिया गया आप लोग एक चीज़ जो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। उसके और आगे आ जाते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पर एक क्वेश्चन है वैलेंसी का डिफिनेशन, वैलेंसी का डिफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पर है डिफिनेशन एटॉमिक साइज का, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करोगे। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का जो दिया गया ए वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को ध्यान से देखना है। देखो ए वाले अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, देख के अच्छी तरीके से इसको करना है। और उसके आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हाइलोजन जो फैमिली उसको बस पढ़ के रखना है हाइलोजन फैमिली को। उसके और आगे आ जाते हैं देखो अब इसमें से क्वेश्चन आंसर में से कौन सा याद कर किया जाए, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो है वेरी 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 IMP, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला वेरी 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 आप लोग को IMP है आप लोग को बोर्ड एग्जाम प्लस सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट टेस्ट सेकंड यूनिट सब में ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हो। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें से ए बी आप लोग को अच्छी तरीके से करना ए और बी। बट क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोग को एक साइंटिफिक रीज़न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा, आप लोग को इसको पूरा करना है। इसमें से 100% में से 99 है कि आप लोग को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग को कहीं पर भी देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छी तरीके से करना, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो लेसन था वो क्लियर होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और इसी तरीके से आप लोग को साइंस 2 का भी चाहिए तो आप लोग को फटाफट कमेंट करना रहेगा।